आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि इफ x mod x plus 1 mod x minus 1 are first 3 terms of an AP, then the first 20 terms क्या होता है, इसको फाइंड आउट करना है हम। तो अब देखो, x mod x plus 1 mod x minus 1 तो AP में है, सो क्या होता है, 2 mod x plus 1 will be equals to x plus mod x minus 1, x less than minus 1 हो गया तो क्या होता है, x minus, x less than minus 1 हो गया तो का वैल्यू नेगेटिव होता है और माइनस टू एक्स माइनस टू विल बी इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 1 होता है ना। ओके दोस्तों, तो x x कैंसिल हो जाएगा और हमको x इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 आएगा। ओके दोस्तों, x इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 तो एक वैल्यू है। ओके, माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन वन, एक ले रहा हूं मैं। तो अब देखो, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता है ना, टू एक्स प्लस टू विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ओके दोस्तों, माइनस वन से प्लस वन तक इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। सो टू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन होता है ना, तो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ये तो एक और पॉसिबिलिटी है। सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन हो गया तो टू एक्स प्लस टू विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन। ओके दोस्तों, टू एक्स कैंसिल होकर टू इक्वल्स टू माइनस वन आएगा। सो ये तो नहीं पॉसिबल है ना, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो ये तो फॉल्स केस है। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। अब देखो, मैं पेज को इस तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो माइनस थ्री बाई टू के लिए, ये तो माइनस वन बाई टू के लिए। माइनस थ्री बाई टू हो गया तो हमारा एक्स मॉड एक्स प्लस वन मॉड एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, माइनस थ्री बाई टू का मन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन मॉड है ना, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन बाई टू होता है, मॉड है इसलिए वन बाई टू होता है। और माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस फाइव बाई टू होता है, मॉड है ना, तो 5 बाई टू होता है। ये तो हमारा फर्स्ट थ्री टर्म्स है, यहाँ पर देखो माइनस वन बाई टू है, सो x का वैल्यू तो माइनस वन बाई टू है। तो मॉड x प्लस वन है ना, माइनस वन बाई टू प्लस वन, दैट इज वन माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू होता है। और माइनस वन बाई टू माइनस वन वो तो माइनस थ्री बाई टू है, मॉड है ना, सो प्लस थ्री बाई टू आता है। तो यहाँ d इक्वल्स टू वन है, यहाँ d इक्वल्स टू टू है, बिकॉज वन बाई टू माइनस माइनस ऑफ माइनस दैट इज वन प्लस थ्री दैट इज फोर बाई टू, तो टू होता है, यह तो वन होता है। ओके दोस्तों, सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स का सम। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, सम विल बी इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ओके दोस्तों, तो एन का वैल्यू क्या है, एन इक्वल्स टू ट्वेंटी कमा ए इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू। ओके दोस्तों, इसको यह भी n इक्वल्स टू 20 है और a इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू है, तो 20 बाई टू 10 इंटू टू इंटू माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री प्लस 20 माइनस वन दैट इज 19 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 2, सो 10 इंटू 19 इंटू टू, 19 इंटू टू का वैल्यू क्या होता है 38 होता है, 38 माइनस थ्री दैट इज 35, इसका वैल्यू तो 350 होता है। तो वन इफ एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, हमारा सम ऑफ ट्वेंटी टर्म्स क्या होता है 350 होता है। यहाँ देखो, यहाँ भी सम इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सो टेन इंटू टू इंटू ए दैट टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन होता है, प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1 है, तो 19 माइनस वन 18 इंटू 10 180 होता है हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स। तो हमारा सम क्या होता है 180 का मत 350 होता है, यह है हमारा रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों कि 180 का मत 350। थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।